वैसे गाइस आई होप यू आर वेल। आई एम वीर। वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये होती है मेरी संडे की वीडियो, जिसको थोड़ा सा फंडे में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके साथ में एक अच्छा सा रिविजन आप लोगों का हो जाता है। और रिविजन बिल्कुल आप लोगों के लिए एक तरीके से रामबाण का काम करता है जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते हो। तो कभी भी रिविजन को लापरवाही में नहीं बरतना है, वरना रिविजन जो है वो बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ में लापरवाह हो गया तो फिर जो है लेने के देने पड़ जाएंगे, यानी कि चीजें बहुत सारी पढ़ने के बाद भी एग्जाम में चीजें याद नहीं आएंगी। तो इसलिए कभी भी रिविजन के साथ में लापरवाही नहीं करनी है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रिविजन को साथ में ले लेके चलना है। ओके, तो आइए फटाफट करेंगे कवर पूरे के पूरे 6 दिन। एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा और लंबे समय तक चीजों को फिर आप लोग याद रख पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने देखी थी यूनेस्को के बारे में, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा एक पर्टिकुलर लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके तहत उसके द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की एक लिस्ट तैयार करते हैं। और उस लिस्ट में अभी हमारी कंट्री की एक सिटी है जो कि काफी फेमस सिटी है और काफी ज्यादा न्यूज में भी है, उसका नाम है श्रीनगर। तो उसको अभी इसका पार्ट बना लिया है कल्चर के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग बात करते हैं तो। इससे पहले अगर कोई आप लोगों से पूछे कोई और भी हमारी सिटी है क्या, जी हाँ भाई साहब बिल्कुल है, मुंबई है, चेन्नई है, हैदराबाद है, वाराणसी है और जयपुर है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अभी श्रीनगर जो है वो 6वें नंबर की, यानी कि हम लोगों ने छक्का लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब तक हम लोग पंचा थे, यानी कि 5 पांडव थे, अब हम लोगों ने पूरा सिक्सर लगा दिया यहाँ पर। तो ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि 6 सिटी हमारी है। पर क्या 6 की 6 सिटी जो है वो एक ही तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी? नहीं, अलग अलग कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन सी है और यहाँ पर श्रीनगर के साथ में क्या कोई मैच कर रही है? तो हाँ, श्रीनगर के साथ में मैच कर रही है जयपुर। बाकी और कौन कौन सी सिटी किस किस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम से कम जरूर याद रखिएगा। श्रीनगर जो है वो क्राफ्ट्स एंड फोक, जो कि लोकल आर्ट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी लेटेस्ट ऐड किया गया, इससे पहला जो लेटेस्ट था वो था मुंबई, मुंबई फिल्म सिटी के नाम से भी आप लोगों ने देखा होगा। अभी यहां पर आप लोगों को चलिए क्वेश्चन पूछता हूं, ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अभी हमारी कंट्री में एक और जगह पूरा एक फिल्म सिटी का पूरा नेटवर्क तैयार करने की बात की जा रही है, चलिए स्टेट में बता देता हूं, है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी के अंदर। अब आप लोगों को सिटी का नाम आप लोगों को बताना है कहां पर ये भी तैयारी चल रही है। बात करें यहां पर मुंबई फिल्म 2019 में, बात करें यहां पर ये इसके अंदर ऐड हुआ था। हैदराबाद की गैस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं और चेन्नई के जो क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के बारे में, जयपुर के क्राफ्ट एंड फोक के बारे में और वाराणसी के क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती है, तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इसके द्वारा यूसीसीएन यानी कि जो यूनेस्को है उसके द्वारा क्रिएटिव सिटी का जो नेटवर्क तैयार किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था इसके द्वारा 2004 में, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पज होता है कि जो सिटीज होती हैं जिनके ऊपर हम लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, उनको सस्टेनेबल कैसे बना रहे हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या हो गया यार, देखो जहां पर गरीबी नहीं होनी चाहिए, भुखमरी नहीं होनी चाहिए, लोगों को टाइम पर खाना मिल जाए, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, तो ये सारी चीजें अगर सिटीज को प्रोवाइड करा दी जाए तो इससे सिटीज जो है वो अच्छे खासे लेवल पर डेवलप हो जाएंगी। एक ये छोटी सी और यहाँ पर न्यूज याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव है यूनेस्को के। तो मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम हो गया, ग्लोबल जियो पार्क ये नेटवर्क हो गया, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस इन द जो डेंजर जोन में है, यानी कि जो विलुप्त होने की कैटेगरी पे है। रिपोर्ट कौन कौन सी है, यूनेस्को साइंस रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट हो गया और स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, तो ये इसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आई, ये आई थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की साइड से, और इसने बोला है कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी यहां पर बनानी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी यानी कि हाँ, जो पुलिस है अगर वो उल्टी सीधी हरकतें करती है तो उसके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट होनी चाहिए। तो इसके चलते एक जजमेंट हमारे देश में आया था 2006 में, ये जजमेंट इतना फेमस है कि आज तक भी पुलिस रिफॉर्म के बारे में जब भी आप लोग कहीं बैठकर बात करोगे तो इस जजमेंट का नाम आप लोगों को हमेशा आप लोगों के कान में गूंजता हुआ नजर आएगा, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस हम लोग इसको बोलते हैं। 7th टोटल इसके द्वारा ये बेसिकली डायरेक्टिव दिए गए थे कि ऐसे बेस पर हम लोग चीजों को सुधार सकते हैं। पहला था कि हम लोग एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाएंगे, दूसरा था कि 2 साल यहां पर टेन्यूर होगा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, 2 साल यहां पर देखने को मिलेगा एसपी और एसएचओ जो होते हैं उनका टाइम पीरियड सेपरेट होना चाहिए यहां पर, जो इन्वेस्टिगेट करेगा और जो लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर रखेगा मेंटेन। इसी के साथ में एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की भी बात की गई, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी यहां पर जो इसमें बोली गई थी 6वें नंबर पर, तो इसको बोला गया कि इसको अभी पिक्चर में लेकर आओ क्योंकि काफी ज्यादा कई जगह दिक्कतें देखने को मिलती है। सेटअप करने की बात की गई नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंटर लेवल पर, तो ये बेसिक 7 इसके डायरेक्टिव्स हैं जो इनके द्वारा यहां पर रखे गए थे चीजों को सुधारने के लिए। जब हम लोग बात करते हैं पुलिस में रिफॉर्म के बारे में तो ये बेसिक चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके,
आगे बात करते हैं। तो अभी आप लोगों को देखने को मिला था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो कहां पर हुई, ये ग्लासगो के अंदर देखने को मिली। वो कहां पर है? वो है यूके के अंदर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा। बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा जो दो तीन बार बता भी चुका हूं, जो 27th और 28th कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर होने वाली है उनके बारे में आप लोगों को बताना है। अभी जो टारगेट इंडिया के द्वारा रखे गए हैं, आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने बोला है कि 2070 तक का हम लोग क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन पर हम लोग पहुंचेंगे और 50% रिड्यूस करेंगे अपना एमिशन 2030 तक का। तो ये सही सारी चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पर बोली है अभी, तो इसमें जो खासकर जो डेवलप इकोनॉमी है वो हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली है कि हाँ हम लोग यहाँ पर इस तरीके से काम करेंगे। तो उसी के चलते यहाँ पर ये मुद्दे हैं, आगे भी इसके बारे में बात करूंगा यहाँ पर आप लोगों से, क्योंकि कई सारे आर्टिकल कंटिन्यूअसली आए थे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए बेसिकली कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे एक होता है मेथेन को लेकर कंसर्न है। अभी यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने मिलकर यहाँ पर ग्लोबल मेथेन एक प्लिज यानी कि प्रतिज्ञा ली, इसमें इनके द्वारा बोला गया एक लगभग 103 कंट्री के साथ मिलकर यार मेथेन को खत्म करना है। आप लोग बोलोगे मेथेन ने क्या चोरी कर ली, उसको भी खत्म करना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की आप लोग बात करते हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट को जितना नुकसान पहुंचाती है उसमें 80 की अगर मल्टीप्लाई कर दो तो उतना नुकसान आप लोगों को मेथेन पहुंचाती है, जिसको आप लोग CH4 बोलते हो, यानी कि 80 गुना इन्वायरमेंट को गर्म करने का काम करती है मेथेन। पर एक प्यारी बात यह है मेथेन की, ये छोटे टाइम यानी कि कम समय तक रुकती है इन्वायरमेंट में, तो ये अच्छी बात है। वरना अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के समय तक रुके तो अब तक तो आग बबूला हो चुकी होती पृथ्वी, तो ये एक अच्छी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर मेथेन को भी हटाने की बात की जा रही है। सोचो अगर मेथेन हटाते हैं तो 80 गुना कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कम कर देते हैं, तो ये इनके द्वारा फोकस देने की बात की जा रही है। तो पूछ ले आप लोगों से किसके द्वारा ये इनिशिएटिव है, तो ये इनिशिएटिव बेसिकली यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया, तो यूरोपियन यूनियन यूएसए इसमें आगे लेकर चल रहे हैं। चाइना रसिया और इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है और ऑस्ट्रेलिया ने तो साफ साफ मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोयला जो है ऑस्ट्रेलिया में काफी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है और इवन इंडिया भी काफी लार्ज स्केल पर कोयला खरीदता है, तो इसके चलते यहाँ पर आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है। इसी के साथ में यहाँ पर जो नाइजीरिया और जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं इनके जो बेसिकली टारगेट है। तो यानी कि जो भी है अच्छी चीजें हैं, तो किस तरीके चीजों को लेकर चलें, तो कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उन मुद्दों में काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट जो आइलैंड स्टेट है, यानी कि जो भी आसपास में आप लोगों को आइलैंड देखने को मिलेंगे ना, खासकर जो यहाँ पर जैसे अपने अंडमान निकोबार हो गए, ठीक है, तो इस तरीके से या फिर जितने इंडोनेशिया कंट्री होगी, बहुत सारी ऐसी आइलैंड कंट्री देखने को मिल जाएगी, तो कैसे उसको सुधारना है, कैसे उसके ऊपर काम करना है, तो ये भी एक मुद्दा है, ठीक है। स्मॉल जो आइलैंड डेवलपिंग जो स्टेट होते हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसरो के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये याद रखिएगा, तो साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टल लाइन मॉनिटरिंग, इन सब मुद्दों के बारे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ताकि यहाँ पर चीजों को सुधारा जा सके, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से जो मुद्दा डिस्कस किया था वो था कई सारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बेसिकली उनको इकट्ठा किया गया और उनको स्वर्ण जयंती फेलोशिप देने की बात की गई। यानी कि अगर आप मुझे लगे कि मैं आप लोगों से बात करूं, मुझे लगे कि यार ये बच्चा काफी ज्यादा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, पर लेकिन फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये बच्चा खुद से पढ़ पा रहा है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करा दी जाए जितना मेरे से हो पाएगा, तो एक तरीके से उसकी एजुकेशन को अगर थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो वो आगे लाइफ में एक अच्छी पोजिशन पर पहुंच सकता है। तो इसी तरीके से जो साइंटिस्ट अपना कुछ करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी पोजीशन पर पहुंचना चाहता है, वो एक तरीके से उसके अंदर आइडियाज भी हैं, वो टैलेंटेड पर्सन है, मेहनती इंसान है, तो देखिए ऐसे इंसान को कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है अगर लगे कि हाँ ये इंसान जो है ये कुछ कर पाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पेरेंट्स भी नॉर्मली पेरेंट्स हालांकि हर सब बच्चों को एक जैसे देखते हैं, पर लेकिन जो बच्चा थोड़ा होशियार होता है पढ़ने में, पेरेंट्स उसको और ज्यादा थोड़ा सा फोर्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हाँ यार ये पढ़ने में अच्छा है और अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, फिर कोई गेम में अच्छा है कोई, ठीक है, कि गेम में काफी अच्छा कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में लगता है कि इंसान अच्छा चल सकता है, तो उसको वहां पर सपोर्ट करने की कोशिश पेरेंट्स के द्वारा की जाती है। तो वो बिल्कुल ऐसे रहता है कि उनको लगता है कि यार ये एक ऐसा चेक है जिसको जिसे एक तरीके से बाउंस होने से बचाया जा सकता है, जैसे नहीं कि एक काम करने वाला इंसान है उसको एक तरीके से काम करने के लिए तैयार किया जाए। तो यहाँ पर बात करें साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड और इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली ये सेलेक्ट कर रहा है चीजों को, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को जो हमारी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर देखने को मिलेगी और 2009 में इसको बनाया गया। तो ये बेसिक फंडा बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों से वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स के बारे में भी यहाँ पर बात की थी, याद होगा आप लोगों को, ये रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, तो क्वेश्चन ही बन जाएगा। सबसे पहले 1989 में इसको बनाया गया था और बनाने वाले कौन थे यहाँ पर, तो बनाने वाला ऊपर वाला नहीं था, हमारे जैसे इंसान ही थे, ठीक है। ये देखो इंसान, ऊपर वाले ने बनाने से पहले क्या क्या सोचा होगा कि क्या ऊपर वाले ने बनाने से पहले सोचा होगा वाह क्या चीज बना दी, पर लेकिन आज की डेट में नीचे देखता होगा तो देखता होगा कि रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बनाए मैंने। नाना पाटेकर का डायलॉग याद है, ऐसे ऐसे डायलॉग है वैसा नाना पाटेकर के ना, बिल्कुल अलग ही लेवल के रहते हैं।
आगे बात करें यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करें आईएमडी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो स्विट्जरलैंड के अंदर यहाँ पर लुसान जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें टॉप परफॉर्मर कौन है, तो स्विट्जरलैंड ने अपने आप को ही यहाँ पर उपाधि दे लिया कि पहले नंबर पर मैं ही हूँ। ठीक है, स्वीडन है दूसरे नंबर पर, डेनमार्क है तीसरे नंबर पर। अगर बात करें टॉप एशियन कंट्री कौन है, तो सिंगापुर है पहले नंबर पर, हांगकांग है यहाँ पर बेसिकली दूसरे पर, ताइवान आप लोगों को तीसरे पर, और चाइना देखने को क्या कह रहा हूं मैं भी, सिंगापुर पांचवे पर, हांगकांग सातवें पर, ताइवान आठवें पर, और चाइना सोलह पर। तो हांगकांग, ताइवान और चाइना, ये देखो तीनों एक ही हैं एक तरीके से देखा जाए तो, और अपनी कंट्री की पोजीशन क्या है, वो है 43। तो काफी कुछ करना बाकी है। तो अगर आप जैसे लोग होनहार बच्चे आगे नहीं आएंगे निकल के, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो यही तो करना है। तो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में या फिर ये सारी चीजें हैं, अपनी जो यंग जनरेशन है जो आज की डेट में कहीं ना कहीं भटकती हुई नजर आती हैं, उनको पैटर्न में लेके आना है और उन्हीं से देश को आगे लेकर चलना है। तो यहाँ पर ब्रिक नेशन में इंडिया की जो रैंक है वो सेकेंड है, हमसे ऊपर चाइना है। बाकी तो ये चार फैक्टर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस की एफिशिएंसी कैसी है, और कैसा हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचा तैयार किया है। तो ये है बेसिकली ढांचागत विकास। तो इंडेक्स भी आप लोगों का हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ, ये न्यूज वो न्यूज है जो मुझे पर्सनली दिल से काफी अच्छी लगी थी। यहाँ पर बेसिकली जैसी सोसाइटी आज के दिन में हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बेसिकली लड़की जो है उसको पूरा उसकी सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है, तो ये सोसाइटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। कहाँ पर ये हम लोग को देखने को मिली, ये बेसिकली खासी एरिया के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या देखने को मिला, जो खासी जो एरिया है यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, तो काफी इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया। तो खासी इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी बिल लाया गया 2021। ठीक है, तो इसके अंदर में यहाँ पर बेसिकली जो मैटरनल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, पहले तो ये देखिए यहाँ पर गायर हो गया, मैंने बोला था ना आप लोगों को याद रखना है जी के जे, ठीक है, यानी कि जी के जे, ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बोला था, तो यानी कि जी के पढ़ना है, जी बिल्कुल पढ़ना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बेसिकली एरिया है जिनमें जो जो सोसाइटी है वो एक तरीके से कैसी सोसाइटी है, यहाँ पर एक तरीके से माँ के बेस पर सोसाइटी, जिससे पैट्रियार्कल बोलते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पर जो मेटेरियल लाइन पर यहाँ पर आप लोगों को सोसाइटी देखने को मिलेगी इस ट्राइबल कम्युनिटी में। और ये एक ट्राइबल ऐसी कम्युनिटी नहीं है, खासी, जयंतिया और ग्यारो आप लोगों को ये ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो सारी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होता है वो घर की जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसका रहता है, बाकी घर में जिसकी शादी हो रखी है फिर शादी नहीं हो रखी है, बूढ़े माँ बाप हो गए, अनमेरिड जो बच्चे हो गए, उनकी सबकी देख रेख जो है वो घर की वो बड़ी बेटी ही करती है। अगर यहाँ पर बात करें जिस इंसान के घर के घरों में अगर कोई बड़ी बेटी नहीं है, तो फिर माँ की साइड से यहाँ पर ये प्रॉपर्टी माँ की साइड से आप लोगों को आगे जाती हुई नजर आएगी, यानी कि कोई दूसरी बहन है उसकी कोई बेटी होगी तो उसको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जाती हुई नजर आएगी, यानी कि बेटे का कोई भी यहाँ पर बेसिकली हाथ नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा तो मुझे ये लगा, अगर कल को शादी होती है, यहाँ पर ए जो है वो लड़की है और बी जो है वो लड़का है, तो बी को एक एक घर जाना पड़ता है शादी करके। जैसे नॉर्मली हमारी साइड क्या होता है कि यहाँ पर लड़का जो होता है वो लड़की को शादी करके अपने घर लेकर आता है, पर लेकिन यहाँ पर लड़का जो होता है वो लड़की के घर जाता है शादी करके। तो ये एक टेंडेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि काफी सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये एक तरीके से मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये इसलिए यहाँ पर इनके द्वारा बिल लाया जा रहा है कि जो लड़के हैं उनको इक्वल राइट ही नहीं मिल रहा है, तो उनको एक इक्वल राइट मिले कम से कम, तो यहाँ पर लड़कों के इक्वल राइट के लिए लड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो लड़कियों के राइट के लिए नहीं, हम लोग यहाँ पर लड़कों के राइट के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कैसा लगा सुन के आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये है बेसिकली सीआरपीएफ, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ के द्वारा एक काफी अच्छा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, इसको बोला गया चौपाल। गांव में सुना हो ना, चलो चौपाल पे चलते हैं बैठ के बातें करेंगे, वो वाला फंडा है। यहाँ पर अभी क्या होता है, कई सारे ऐसे हमारे जो बहादुर सिपाही हैं आज की डेट में बहुत सारी पीड़ा से, बहुत सारे दुख से गुजर रहे हैं, कई सारी आप लोगों को मेंटली डिस्टर्ब भी आप लोगों को कई सारे लोग नजर आएंगे, तो कैसे उस चीज को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। उसको इंप्रूव करने के लिए अभी यहाँ पर बोला गया कि लगभग यहाँ पर 10 से लेके मतलब 18 से लेके 20 जो है पर्सनल, और उन्हीं के साथ में उनके प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सेक्शन कमांडर सारे आपस में बैठेंगे और बैठकर आपस में बातें करेंगे कैसे चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते बेसिकली चीजें ये की जा रही है कि कैसे हम लोग चीजों को सुधार पाएंगे। तो सबसे इंपोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि जो भी उनके दुख दर्द हैं उनको बैठकर सुनो और फिर उनका निवारण करो, तो इनको निवारण करने की कोशिश की जाएगी सबके द्वारा मिलकर। तो इसी सिस्टम को चौपाल बोला है। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो चौपाल पूछ लेंगे आप लोगों से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो चौपाल स्टार्ट किया गया सीआरपीएफ के द्वारा, ठीक है, जिसको आप लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, और इसमें सब जो हाई लेवल के जो ऑफिसर है वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अगर कोई दिक्कत है तो तभी यहाँ पर वो दिक्कतें बताई जाएंगी, उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ओके,
मैंने आप लोग को दिखाया भी था, मैंने ये मैंने डायलॉग भी आप लोगों को बताया था कि किसको किसके घर में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो वाला जो डायलॉग था सनी देओल का, तो दिक्कत आज के डेट में हर एक इंसान को रहती है किसी न किसी तरीके से, तो दिक्कतों का निवारण करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो चौपाल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। एक और छोटी सी बात आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, वो थी किसके बारे में कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर हमारे देश में स्टार्ट की गई थी 1939 में, ठीक है। और फिर आगे चलकर हम लोगों ने इसको 1949 में एक सीआरपीएफ के तौर पर हम लोगों ने इसको लगा दिया आगे, ठीक है। तो अपनी कंट्री में हम लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि क्राउन तो बेसिकली अंग्रेजों के अंडर में हो गए ना चीजें। तो ये कुछ बातें देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड की है, इवन अपने सहयोगियों को भी मारा है यहाँ पर एक तरीके से आपस में लड़ाई को देखते हुए। और तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ पर ये सारे स्टेप कहीं ना कहीं उठवा रही है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट इंपोर्टेंट मुद्दे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यह है आईएनएस वेला से। आईएनएस वेला जो है यहाँ पर एक पनडुब्बी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो हमारे देश में अभी डिलीवर की गई है प्रोजेक्ट P-75 की वजह से। तो P-75 जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये स्कॉर्पियन क्लास आप लोगों को जो डीजल इलेक्ट्रिक यहाँ पर प्रोपल्शन सिस्टम के थ्रू चलने वाली पनडुब्बी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता रखना है, खासकर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ये काफी मुझे बुरा लगा जब यहाँ पर छठ पूजा थी, उस टाइम पर जो दिल्ली की हालत थी वो काफी दयनीय कंडीशन में थी, तो उस तरीके से यहाँ पर ये बार बार न्यूज में आ रही थी। अमोनिया लेवल जो था इतना हाई था, इसमें अगर कोई जाकर छठ पूजा भी कर रहा था तो काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्या, सबसे बुरी चीज बोल रही आप लोग, सबसे बुरी चीज क्या लगती है, और वैसे इंटरेस्टिंग भी लग रही है कि एक इंसान जो माइंड को इस तरह बनाकर बैठा है कि चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। छठ पूजा हर साल आती है, ठीक है, जब छठ पूजा हर साल आएगी तो ये पिक्चर तभी देखने को मिलेगी, जबकि ये पूरी साल ये पिक्चर रहती है, पर लेकिन छठ पूजा पे हम लोग इनको याद करते हैं, ठीक है, कि हाँ ये हमारी रिवर जो है वो गंदी हो रखी है। क्यों? क्योंकि इंसानों को उसमें जाकर उतर कर पूजा करनी है। तो ये जो इस तरीके की जो हरकतें हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट इतने दिनों से चीज देख रही है, अब तक इनको सुधार नहीं गया। अब यहाँ पर ओथ ली गई है प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर की, वो इसको आने वाले टाइम में 2025 तक इसको खत्म करेगी, मतलब ये पोल्यूशन वगैरह जो है। अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छा देखने को मिलेगा, बाकी देखते हैं कब तक होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी यहाँ पर माथा पटक पटक के मर गया कि भाई साहब सुधार लो इसको, पर लेकिन कोई सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा है। आर्टिकल 21 हमारे संविधान में बोलता है कि राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू एक अच्छा खासा प्यारा सा स्वच्छ सा एनवायरमेंट, पर वो भी यहाँ पर हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो सब श्याम नाम धन भेद लगा लिए पर ये चीजें नहीं सुधरी, तो देखते हैं कब तक सुधरती है। हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, चलिए देखते हैं। बाकी अगर बात करें यमुना के बारे में, कोई पूछ ले तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर यहाँ पर आती है, याद रखिएगा, उत्तराखंड के अंदर से, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें संगम, अगर आप लोगों ने सुना होगा ना एक तरीके से कि संगम का एक तरीके से वहां पर बेसिकली इलाहाबाद के अंदर में, ठीक है, तो प्रयागराज के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो कुंभ का मेला भी वहां पर लगता है। बाकी ये कुछ इंपोर्टेंट इसकी जो आप लोगों को देखने को मिलेगा डैम वगैरह है, तो ये ज्यादा रटना नहीं है, हल्का से याद रख लीजिएगा। यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी है चंबल हो गया, सिंध हो गया, केन हो गया, बेतवा, केन और बेतवा कई बार न्यूज में भी रहती है, ठीक है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, बड़ी बड़ी न्यूज बन जाती है कई बार, तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा बना था यहाँ पर, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं उनके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो थी उसको सस्पेंड किया गया था 2 साल के लिए, 2020 और 2021 के लिए, तो उसी को अभी फिर से यहाँ पर रीस्टार्ट किया जा रहा है। तो ये स्कीम काफी ज्यादा न्यूज में आ गई थी, तो इसलिए इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है ये 1993 में यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, और उस टाइम पर ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आती थी। यहाँ पर उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और आगे चलकर यहाँ पर राज्यसभा के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला जो राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनको स्टेट के अंदर बेसिकली जहां से इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, तो वहां से कोई डिस्ट्रिक्ट चूज करना होता है, लोकसभा तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से ही चूज करते हैं, और बाकी नॉमिनेटेड मेंबर जो रहते हैं वो कहीं से भी एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं कंट्री में से। 25 लाख रुपए कहीं बाहर खर्च कर सकते हैं, वैसे 5 करोड़ मिलते हैं आज के डेट में, तो ये इनको खर्च करना होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो अभी यहाँ पर ये स्कीम न्यूज में थी, तो कोई कंफ्यूजन आप लोग इसके बारे में नहीं होना चाहिए। बाकी 5 लाख से स्टार्ट की गई थी और आज 5 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 1993 में 5 लाख दिए जाते थे, अब 2011-12 से 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब ये नॉन लैक्सेबल फंड होता है, जो पैसा मिल गया तो मिल गया, अब चाहे आप लोग खर्च करो चाहे ना करो, जो आगे पैसा मिलता रहेगा वो इसी में जमा होता रहेगा, यानी कि खजाना भरता रहेगा। अब कितना खर्च करना है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। 5 राज्य ऐसे हैं जिसके द्वारा सबसे ज्यादा फंड को यूटिलाइज किया गया, और 5 राज्य ऐसे जिसके द्वारा सबसे कम फंड को यूटिलाइज किया गया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन अगर लिखने के लिए आ जाए, या फिर अगर आप लोग इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप लोगों से पूछ लेगी लोकल एरिया का लिए जो फंड जो बेसिकली देता है, हमारा राज्य जो होता है वो कहाँ पर है इसको बेसिकली यूज करने में,
तो ये ऐसी चीजें होती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ लोकल एरिया में कैसे चीजें यूज की जा रही है, या फिर आप लोग के एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप लोगों को लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आप लोगों के एरिया के कोई कहीं पर ऐसा फंड यूज किया है जिससे आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ये फंड का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं, पर लेकिन ये स्कीम कई बार क्रिटिसाइज भी की जाती है, मुद्दा है, मुद्दा ये बोलते हैं यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कि इसका जो फाइनेंस है वो ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर कई बार बोलते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर को हनन करता है, यानी कि राज्य के अंदर जाकर आप लोग बेसिकली ऐसी चीजें करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो इंटरफेयर कर रही है फेडरेशन में, ठीक है, यानी कि तरीके से राज्य गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसकी वजह से भी कई बार ये बातें देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह था कि इंडियन रेलवे जो बेसिकली इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको IREDA बोलते हैं, इंडियन रेलवे बोल रहा हूँ, इंडियन रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल यानी कि अक्षय एनर्जी जो होती है, ठीक है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, तो इसके द्वारा अभी यहाँ पर विजिलेंट अवेयरनेस वीक अभी आप लोगों को देखने को मिला। इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या क्या बन जाते हैं, ये वीक किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये तो याद रखिएगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड भी ये वीक है। 26 अक्टूबर से लेकर यहाँ पर 1 नवंबर तक का ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेल्फ रिलायंस और इंटीग्रिटी यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो बेसिकली थीम नजर आएगी। बेसिक पर्पज क्या रहता है कि करप्शन वगैरह को रोका जा सके और सही तरीके से ही जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके सिस्टम को, ये बेसिक पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में, वीक जो है किससे रिलेटेड है, क्या यहाँ पर बेसिकली थीम है इसकी, किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो छोटे छोटे मुद्दे कई बार एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, बात कर लेते हैं पीसीए के बारे में। पीसीए क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी कि आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले पीसीए को, तो ये होता है बेसिकली अगर कोई बैंक जो है वो डूबने की कगार पर पहुंच रहा है, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाकर उसका हाथ थाम ले, उन्हें तिनके डूबते को तिनके का सारा काफी है, तो वो काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो उसके बेस पर यहां पर चीजों को आगे लेकर चला जाता है। तो यहां पर कैपिटल एसेट्स जो क्वालिटी और कैपिटल टू रिस्क जो वेट है उसके बारे में बात की जा रही है, ये ऐसा रेशियो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, या एनपीए वगैरह हो गया, ये सारी चीजें, यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि कई सारे इंडिकेटर पे बेस पर चेक किया जाता है पीसीए, और फिर यहां पर आरबीआई उसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा देता है ताकि उसके अंदर ज्यादा प्रक्रिया न देखने को मिले और बैंक को थोड़े दिन के लिए होल्ड पर रखा जा सके और वो बैंक जब सुधर जाए फिर से उसको मार्केट में उतारा जा सके। ये बिल्कुल ऐसे ही किसी को चोट लग जाए उसे कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्ट करके रखो, फिर जब चीजें समझ जाए तो फिर से उसको उतार दो मार्केट के अंदर में, तो कुछ ऐसा फंड है, ठीक है। आगे बात करें वर्ल्ड जो बैंक है उसके द्वारा भी हेल्प की गई हमारे देश में मेघालय के अंदर जो हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने में, तो उसी के चलते इसके द्वारा 400 मिलियन का अभी यहाँ पर एक लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये लोन रहता है हमेशा ये रिटर्न करना होता है, ऐसा नहीं कि हमको ग्रांट दिया जा रहा है हम लोग को रिटर्न नहीं करना है, पर काफी लो प्राइस पे रहता है जिसको हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर ये काम किया जाएगा, इसके चलते हम लोग चीजों को सुधार पाएंगे, तो हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये बेसिक फंडा है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ पर कि वर्ल्ड बैंक के बारे में कोई पूछ ले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि अभी पब्लिश नहीं की जा रही है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये काफी बड़ा मुद्दा भी यहाँ पर सामने निकल कर आया था, चार धाम के बारे में आप लोगों को सबको बताया, चार धाम यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ, चार धाम का जो रास्ता है उसको थोड़ा सा और यहाँ पर बेसिकली वाइड यानी कि चौड़ा करने की बात की गई थी, किसके द्वारा, हमारी कंट्री के डिफेंस के द्वारा। रीजन क्या था, वो ये चाह रहे थे कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी यहाँ पर चीजों को कनेक्ट किया जा सके ताकि कोई दिक्कत आगे यहाँ पर देखने को न मिले, तो उसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा मिलकर काम किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा कि इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट के साथ में कैसे लेकर चल रहे हो, वो तो देखो अगर रास्ता ज्यादा चौड़ा किया जाएगा तो उससे चीजें किस तरीके से किस पैटर्न में चलेगी, तो यही एक केस बना काफी लंबा। यहाँ पर डिफेंस वाले यहाँ पर बेसिकली ये फोकस दे रहे हैं कि यार देखो श्रद्धा के लिए तो ये रास्ता बनाया जा रहा है जिसके चलते यहाँ पर देहरादून को कनेक्ट किया जाएगा यहाँ पर मेरठ के अंदर, ठीक है, मेरठ में काफी बड़ा कैंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, और फिर आगे चलकर आराम से इसको दिल्ली के साथ में भी कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो आप लोगों यहाँ पर आप लोगों को अगर गाजियाबाद में आएंगे तो हिंडन एयरबेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ से इसको काफी इंपॉर्टेंट रास्ता माना जा रहा था, तो इसके चलते बोला यार थोड़ा सा और चौड़ा कर लेते हैं, अगर कल को जरूरत पड़ेगी तो आराम से यूटिलाइज किया जा सकेगा, तो उसी की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज में आ गया था, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक दवाई और उसके वायरस के बारे में बेसिकली बात की थी जिसको बोलता है पेपिलोमा वायरस, ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये बेसिकली जो ये रिड्यूस करेगा जो सर्विकल कैंसर था, ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पर जो वैजाइनल जो दिक्कतें देखने को मिल रही थी उसमें यहाँ पर किस तरीके से दिक्कतें निकल कर आ रही थी, ठीक है, तो ये पूरा इशू मैंने आप लोगों को समझाया था। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें आज के डेट में देखने को मिलती हैं जिसको यहाँ पर अवेयरनेस के लिए काफी इंपोर्टेंट माना गया था, तो उसी के चलते यहाँ पर ये जो दवाई है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस मुद्दे पर फायदा पहुंचाने की बात कर रही है।
तो ये याद रखिएगा, खासकर जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है यूटेरस का, जो कि आगे चल के जो एक कनेक्ट है, जो बेसिकली वेजाइना के साथ में कनेक्ट रहता है, तो उसमें भी, और खासकर जो अगर बात करें यहाँ पर वेजाइना के साथ साथ में जो यहाँ पर मेल का जो पेनिस वाला पोर्शन रहता है, उस पर भी यहाँ पर कई सारे ऐसे इस तरीके की आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके की ये वाली चीज है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है स्किन पे, और फिर वहां से चीजें जो है वो गलने लगती है। तो इसको यहाँ पर सुधारने की बात की गई थी इसके चलते। तो ये काफी एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं आप लोग, लोगों को अवेयरनेस फैलाना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है अगर ऐसे मुद्दों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है। एक जो मैंने आप लोगों से काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर मुद्दा डिस्कस किया था वो था यहाँ पर मिनरल्स और इन सब चीजों के बारे में। तो हमारे देश में अमेंडमेंट किया गया ताकि हम लोग जो है यहाँ पर जो खासकर जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको ढंग से यूज कर सके। इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट मुद्दा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वो था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा 200 न्यूटिकल माइंस, खासकर अगर बात करते हैं अपना जो एरिया है उसके साथ में जब कनेक्ट करके आप लोग देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेरिटोरियल जोन होता है इसके साथ में अगर कनेक्ट करके देखो और यहाँ से एक्सक्लूसिव जो जोन होता है, तो ये टोटल मिलाकर 200 न्यूटिकल माइंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हमारी कंट्री की जो कोस्ट गार्ड है वो इसको सेव करती है, ठीक है। तो ये किसके तहत यहाँ पर होता है, तो ये होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल कर आता है, तो इसके साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यानी कि जो अगर यहाँ पर स्टेट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट निकल रहा है, कोयला वगैरह के कुछ सारी चीजें, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, बाकी का अगर यहाँ पर ये जो टेरिटरी के बाहर वाला जो यहाँ पर पोर्शन है बेसिकली एक्सक्लूसिव जोन वाला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम चलेगा, ना कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफियर रहने वाला है। तो इसके चलते मैंने आप लोगों से ये चीजें डिस्कस की थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में चीजें पूछ ली जाती है, तो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहेगा तो फिर चीजों को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, जो यहाँ पर चाइना जो है वो बार बार रायता फैलाया रहता है, तो उसी रायते के ऊपर बार बार यहाँ पर बात की जाती है। तो यहाँ पर चाइना क्या करता है, चाइना की गंदी हरकतें जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी, ये दो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यहाँ पर चाइना की गंदी हरकतें, ये इतना एरिया बोलता है ये मेरे कंट्रोल में है, जहाँ पर येलो देखने को मिलेगा। दूसरा मैकमोहन लाइन को ये मानने के लिए तैयार नहीं है और बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है ये चाइना का सदर्न तिब्बत है, यानी कि जो तिब्बत वाला रीजन है उसका साउथ में है ये, तो चाइना का है। तो यहाँ पर ये मैकमोहन वाली लाइन है और यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। इसी के चलते जैसे आप लोगों को ये दो लाइन देखने को मिल रही है, आप लोगों को याद रखना है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन हम लोग बोलते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो लाइन पाकिस्तान के बीच में है वही बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि आज की डेट में तो हम लोग बांग्लादेश बोल रहे हैं, 1971 तक तो ये पाकिस्तान ही था, तो इसलिए रेड क्लिफ ही यहाँ पर इसको भी डिवाइड करती हुई नजर आती है। तो नॉर्मली यहाँ पर वेस्टर्न सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1570 किलोमीटर, यहाँ पर बेसिकली 545 किलोमीटर और यहाँ पर यह 1325 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा वेस्टर्न, फिर ईस्टर्न और फिर सेंट्रल एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो कि कई बार छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। आगे बात करें, मैंने आप लोगों से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में बात की थी, तो जैसे यूपीएससी के थ्रू यहाँ पर आईएएस पीसीएस ये सब सर्विस कंडक्ट कराई जाती है, ऐसे ही यहाँ पर बोला गया था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों से बोला था आगे चलकर फिर यहाँ पर ऑल इंडिया टीचिंग सर्विस भी आनी चाहिए, याद है ना। तो उसी मुद्दे के बारे में बात की जा रही है। हमारे देश में एक केस आया था 1992 में, वो था ऑल इंडिया जुडिशियल एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। उस केस ने ये बोला कि यार ऐसी कोई सर्विस होनी चाहिए जो कि यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर कॉमन हो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए। और ऐसी ही कई सारी बातें यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट के द्वारा बोली गई, 14th जो यहाँ पर लो कमीशन था उसके द्वारा ये बातें बोली। इसी के साथ में यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, आर्टिकल 312 यहाँ पर पावर देते हैं, तो उसमें बोला गया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा के हाथ में पावर दी जाती है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले जिसके चलते हम लोगों ने बातें की थी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, क्वेश्चन अगर बने तो फिर कंफ्यूजन आना आप लोग को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात की थी, इसको बोलते हैं जल जीवन मिशन। बिना पानी के तो इंसान जो है बिल्कुल खत्म है चीजें, ठीक है। तो बॉडी में मैक्सिमम आप लोगों को पानी ही देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री है यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री, इसके द्वारा बोला गया 2024 तक सबके घरों टोटे का पानी पहुंचेगा भाई, ठीक है। तो टोटे का पानी पहुंचेगा और साफ सुथरा पानी पहुंचेगा, तो 15 लीटर जो है पर पर्सन को यहाँ पर ये पानी प्रोवाइड कराएंगे 2024 तक का। और इसको बोला है क्या, इसको बोला गया यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड दे दिया गया HFHTC, यानी कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। तो यानी कि एक टोटी ऐसी रहेगी जो फंक्शनल रहेगी, ठीक है। गोवा पहला ऐसा राज्य बना हमारे देश में जो हर घर जल स्टेट के तहत यहाँ पर ये काफी अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाया। अब यहाँ पर अगर पैसे के बारे में बात करते हैं तो तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में तो एक 90% जो पैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और 10% स्टेट देगी, कहाँ पर, जो यहाँ पर हिमालयन राज्य और नॉर्थ ईस्टर्न राज्य।
पचपन पचपन पचास पचास का एरिया देखने को मिलेगा दूसरे राज्य, और यूनियन टेरिटरी तो आप लोगों को पता ही है सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, तो इसके लिए सारा पैसा यूनियन टेरिटरी ही देगा, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा यूनियन टेरिटरी के लिए। एक काफी इंपोर्टेंट मुद्दा मैंने और आप लोगों से डिस्कस किया था एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो था ये बेसिकली हमारी कंट्री में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था यहाँ पर 140वीं जब बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो राष्ट्रीय एकता दिवस भी आप लोगों को देखने को मिलता है वो भी इन्हीं के साथ में कनेक्ट करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत जो बेसिकली हमारी कंट्री में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है, और एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो करने की बात की गई, ताकि अलग अलग राज्य में अलग अलग लिटरेचर है, अलग अलग खाने पीने रहने सहने के तरीके हैं, तो कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं यहाँ पर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात करते हैं, तो 31 अक्टूबर आप लोगों को पता ही है कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे यहाँ पर ये। इसी के साथ में इनके द्वारा 3 कमेटी को चेयर किया गया था, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट यानी कि कैसे देश में मूल अधिकार होने चाहिए, तो बेसिकली उसका काफी बड़ा श्रेय जाता है इनको, कमेटी ऑन माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, और यहाँ पर प्रोविजनल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी है वो इनके अंदर ही इनकी अध्यक्षता के अंदर ही थी। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह में यहाँ पर इन्हीं की छत्र छाया में वो फले फूले, जिसके चलते बारदोली की महिलाओं ने तो इन्हें सरदार भी बोल दिया कि ये है हमारे सरदार, तो इनके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये काफी बड़ा एक उपाधि आप लोग बोल सकते हैं जो बारदोली की महिला ने इनको यहाँ पर दिया था। आयरन मैन ऑफ इंडिया या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से कोई जाने, या फिर फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, वो सारे इन्हीं के नाम है। तो यहाँ पर कोई भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूज आना नहीं है कि यार किसके बारे में पूछने यहाँ पर, तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो कि काफी चहीते आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है गंगा उत्सव जो द रिवर फेस्टिवल 2021 के बारे में, काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर ये भी रहा जिसके चलते यहाँ पर गंगा को क्लियर करने के बारे में लोग बार बार बात होते हैं पर लेकिन वो चीजें पूरी नहीं हो पाती है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में आप लोगों ने सुनाई है, तो वो एक अलग बात है। फिलहाल अभी यहाँ पर बात की जा रही है 5वां एडिशन जो गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया, तो ये भी कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोग हल्का हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर, गंगा इनके द्वारा बेसिकली कई सारी चीजें स्टार्ट की गई। ठीक है, जैसे गंगा मसाल, इसी के साथ में गंगा टास्क फोर्स। गंगा टास्क फोर्स क्या थी, काफी इंपॉर्टेंट थी, मैंने डिस्कस भी आप लोगों से की थी। हमारी कंट्री के जो रिटायर्ड एक्स सर्विस मैन है यहाँ पर उनको इंक्लूड किया गया कि गंगा को कैसे स्वच्छ बनाना है, तो इनका साथ लेकर चीजों को आगे लेकर चला गया। और गंगा मित्रा, गंगा प्रहरी और गंगा जो दूत है वो यहाँ पर स्टार्ट किए गए, ताकि और अच्छे लेवल पर हम लोग बेसिकली गंगा को स्वच्छ करने का काम कर सके। तो कई सारी ये चीजें भी देखने को मिली। बाकी और तो पता ही है, गंगा के लिए गंगा एक्शन प्लान है, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी है, क्लीन गंगा फंड है, इसी के साथ में भुवन गंगा वेब ऐप आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर बैन ऑन द वेस्ट डिस्पोजल इन गंगा। तो ये सारे मुद्दे थे ही आप लोगों के सामने। G20 की मीटिंग के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि G20 की मीटिंग किसके द्वारा चेयर की गई थी, तो ये इटली के द्वारा चेयर यहाँ पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर होगी 2022 में, वो कौन करेगा, वो इंडोनेशिया चेयर करेगा। नेक्स्ट होगी 2023 में, वो कौन चेयर करेगा, वो अपनी प्यारी कंट्री यानी कि हमारा प्यारा देश उसको चेयर करेगा। तो ये इसके बारे में याद रखना, कोयले के बारे में ये बोला गया इनके द्वारा कि जो भी कोयला यूज कर रहा है हम लोग उसको पैसा नहीं देंगे। ठीक है, या तो कोयला यूज करना बंद करो वरना पैसे लेना बंद करो। तो ये यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर मुद्दे सामने निकल कर आए। और भी कई सारे मुद्दे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोग एक मिनट यहाँ पर ये वाला देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बात करें तो ये तो किस तरीके चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो बोला गया कि कई सारे कंसर्न है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुद्दे क्या कहते हैं, एड्रेस करना है वैक्सीन इनइक्वालिटी यानी कि जो दवाइयां हैं वो सबको नहीं मिल पा रही है। वन अर्थ वन हेल्थ के बारे में बात की गई थी जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था, खासकर जो ये जीव जंतु उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में यहाँ पर बात की गई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा था। सपोर्ट करना है ग्लोबल मिनिमम टैक्स यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है वो 15% लेकर आना है। बेसिकली आज की डेट में ये कहीं तो 2% है और कहीं आप लोगों को ये 25% देखने को मिलता है। अगर ये 15% आ जाता है तो यहाँ पर एक नहीं नॉर्मलिटी सी आ जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, कोई ज्यादा चीजों में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई कंपनी कहीं पर भी स्टेब्लिश की जा सकती है। तो उसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाकर रखनी है, तो वो तो आप लोगों को पता ही है, तो ये एक मुद्दा ये भी है। नेक्स्ट आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से जो यहाँ पर गेम्स के बारे में बात की थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट इसके द्वारा अनाउंस किया गया नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2021। तो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2021 जो है यहाँ पर ये 6 तरीके के अवार्ड आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया, ध्यानचंद अवार्ड हो गया, MAKA इसके बारे में डिस्कस करूंगा, अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य और यहाँ पर बेसिकली प्रोत्साहन वाला अवार्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देख सकते हैं सबसे इंपोर्टेंट जो है
वो है ये वाला, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रतन। ये 25, ये बेसिकली 4 साल का एक्सपीरियंस जो है उसमें देता है, 25 लाख रुपए देते हैं। 1991 में स्टार्ट किया गया था। ये क्या है, अगर रिटायर होने के बाद भी आप लोग गेम को सपोर्ट करते हो तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड और यहाँ पर खेल रतन, तो डिफरेंस समझिएगा। इंपोर्टेंट था यहाँ पर, मैंने बोला था कि आगे बताऊंगा, तो ये था मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो ये 1956 से लेके 57 में देखने को मिली थी। टॉप इंपोर्टेंट यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी लेवल के जो गेम होते हैं, और ये खेल रतन तो प्राइवेट कॉर्पोरेट वगैरह ONGC और ये सब जो करते हैं उनके लिए थे यहाँ पर। और बाकी अर्जुना अवार्ड जो था 1961 में स्टार्ट किया गया था, और द्रोणाचार्य, दोनों साथ में आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। साइन लैंग्वेज का मुद्दा काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर देखने को मिला था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये बोला गया कि आज की डेट में जो लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगन है उनके बारे में कुछ सोचो, तो NCERT के साथ में मिलकर यहाँ पर इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने मिलकर काम किया। तो यहाँ पर बोला गया कि साइन लैंग्वेज में भी कंटेंट को क्रिएट किया जाएगा, तो उसके लिए सबको मना रहे हैं कि भाई साहब काम करने स्टार्ट करो, ताकि जो सेक्शन है सोसाइटी का वो हम लोग साथ में लेकर चल सके। और इम्पोर्टेंट मुद्दा था यहाँ पर राइट, जो यहाँ पर जो आर्टिकल 14 था वो, जिसके बारे में बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट था जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, तो राइट टू इक्वलिटी यहाँ पर साथ में लेकर चलना है, वरना यानी कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ, ठीक है। तो सब साथ में रहेंगे तभी चीजें जो है वो आगे पैटर्न में बढ़ेंगी। याद होगा आप लोगों, मैंने आप लोगों से एक रूल के बारे में बात की थी जिसको बोलते हैं डिहाइपेनेशन। डिहाइपेनेशन क्या था बेसिकली, डिहाइपेनेशन ये था कि अलग अलग कंट्री के साथ में अलग अलग डील करो अगर वो कंट्री आपस में दुश्मन है तो। जैसे इजराइल और पैलेस्तीन के साथ में हमारा मुद्दा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इसराइल गए पर पैलेस्तीन नहीं गए, फिर आगे चलकर ऐसा कि पैलेस्तीन घुमाओ इसराइल मत जाओ, दोनों को अलग अलग लेकर चलो, पर लेकिन दोनों को इस तरीके से लेकर चलो कि दोनों के साथ में हमारे अलग अलग रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे इसराइल से हम लोग हथियार खरीद रहे हैं, ऐसे हम लोग पैलेस्तीन से तो हथियार खरीद रहे हैं, तो पैलेस्तीन का अलग मुद्दा है। रशिया से हम लोग हथियार खरीद रहे हैं बेसिकली अटैक करने वाले, और यूएसए से हम लोग खरीद रहे हैं नॉर्मल जैसे कि जहाज वगैरह हो गए, तो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। तो इस तरीके से डिहाइफिनेशन की जो मुद्दा है कई जगह हम लोग लेकर चलते हैं। इवन चाइना और ताइवान के बारे में आप लोग मुद्दे के बारे में बात करो तो वहां पर ताइवान के साथ भी हमारे अच्छे खासे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं और जिनके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया भी होना चाहिए, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी एक मैंने आप लोगों से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी जिनका नाम आप लोगों को याद रखना है, इनका नाम था यहाँ पर ONK OBWELA, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो हैदर अली जो नाम के राजा हुआ करते थे उनके खिलाफ लड़ाई की गई थी इनके द्वारा कर्नाटक के अंदर में। तो काफी फेमस यहाँ पर ये हो गई थी एक तरीके से, महिला इस तरीके से टक्कर दे रही है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी में क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ इंपोर्टेंट डे मैंने डिस्कस किए थे तो उसमें से और भी उनका दूंगा जो इंपोर्टेंट है। तो वर्ल्ड यहाँ पर बात की जा रही है एंटी माइक्रोबियल जो बेसिकली अवेयरनेस वीक के बारे में, तो 18 से लेके 24 नवंबर तक आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक तो ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर, और स्प्रेड जो यहाँ पर स्प्रेड करनी है अवेयरनेस, स्टॉप जो रेजिस्टेंस, इसकी ये थीम भी आप लोगों को देखने को मिली, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हो गई। टॉयलेट एक प्रेम कथा है यहाँ पर, बेसिकली बात की जा रही है वैल्यूइंग टॉयलेट। देखिए टॉयलेट की अगर सही साधन होगा तो बहुत सारी जो बीमारी थी हम लोग बच पाएंगे, तो इसी के चलते वर्ल्ड टॉयलेट डे भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था 19 नवंबर को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जब बात करें साफ स्वच्छता के बारे में। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के बारे में, तो ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर होना चाहिए यार, जैसे हम लोगों ने बर्बादी कर रखी है ऐसी तो चलती रहेगी तो कैसे काम चलेगा, तो कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बेटर काम करके जाए, तो ये बेसिक फोकस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसी को अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पर, अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि बच्चों के सामने कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन हम लोग निकाल सकें। तो ये उसी की वजह से कई बार न्यूज में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसके रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ओके। तो आज का डिस्कशन था ये, जिसमें आई होप कि आप लोगों ने चीजों को अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, जरूर कंफ्यूजन आप लोगों का दूर किया जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर की PDF आप लोगों को नहीं मिलती है क्योंकि ये रिविजन होता है पूरे वीक का, ऑलरेडी PDF प्रोवाइड करा चुका हूं, तो फालतू में PDF इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो है उन्हीं को रिविजन कीजिए, सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, अच्छे से एंजॉय करते रहिए, अपनी लाइफ का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ पढ़ाई कर भी ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।